आज हम बनाएंगे नमकीन सेवई। इसमें डालेंगे हम एक टमाटर, मटर और चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे हम फ्राई करे आलू और जादुई मसाला मैगी मसाला और बाकी नॉर्मल मसाले। यह है सेवई। और एक कढ़ाई चाहिए हमें इसके लिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा और ले लेते हैं, उसको अच्छे से भूनने देंगे। उसमें थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, मिर्ची के साथ टमाटर भी डालेंगे, इसको अच्छे से भूनने देंगे। फिर इसमें मटर डालेंगे, मटर खाने में अच्छी लगती है। फिर इसको एक बार चला लेंगे। इसको चलाने के बाद इसमें आलू डालेंगे, और आलू डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। के लिए हम इसमें डालेंगे हल्दी, फिर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, धनिया टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा और डालेंगे, इसमें थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, मिर्ची से थोड़ा चटपटापन आएगा। फिर हम इसमें डालेंगे, ये नॉर्मल मसाले हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, फिर इसको थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना जादुई मसाला, हमारा मैगी मसाला। इस मैगी मसाले को हम ऐड करेंगे अच्छे से। मैगी मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से मैगी मसाला इसमें मिल जाएगा। देखिए देख, खाने में देखने में इतना टेस्टी लग रहा, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा ना। अब हम इसमें मिला देंगे अपनी सेवई सारी। अब इसको हम चलाएंगे अच्छे से। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, चलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखिए है ना टेस्टी। ओ डिस्को लाइट गाइस। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कुछ ये पानी और कुछ भाप से दोनों से मिलकर हो जाती है, इसलिए हम पानी इसमें थोड़ा ही डालेंगे। मुझे लगता है मुझे इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेना चाहिए, मेरी सेवई थोड़ी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा पानी और डालूँगी, बस इतना काफ़ी है गाइस। अब हम इसको ढक देंगे गाइस, मात्र 10 मिनट के लिए गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे। अब हम इसको देखते हैं ये कैसा हो गया है। गाइस ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है, इसको थोड़ा सा तेज करके और सुखा लेंगे हम। अब देखिए गाइस ये हो चुकी है सेवई हमारी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं। देखिएगा अभी अच्छे से हो गई है। अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, टू और ये 3। मुझे लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा और निकाल लेना चाहिए, थोड़ा सा और। गाइस ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। गाइस ये जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही बनेगा। अगर आप मेरी वीडियो को देखकर बनाते हैं तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।